ब्रह्मपुरी शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वैनगंगा नदी के पास गौरव पेपर मिल जलपूर्ति योजना के ट्यूबवेल में 22 साल की बच्ची का शव तैरता हुआ मिला। इस कारण पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच प्रेम प्रसंग के चलते लड़की की हत्या करने का संदेह जताया जा रहा है। बालिका के कमर में पत्थर बांधकर जलपूर्ति योजना के ट्यूबवेल में फेंक दिया गया था। ट्यूबवेल में कमर का निचला हिस्सा तैरता हुआ मिला, जबकि कमर से सिर तक का हिस्सा पानी के नीचे पाया गया। ब्रह्मपुरी पुलिस ने अथक प्रयास से मृत बच्ची के शव को बाहर निकाला और आगे की जांच के लिए ब्रह्मपुरी के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले से संबंधित संदिग्ध आरोपियों को देसाईगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की बात की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लड़की को ब्रह्मपुरी में पढ़ने वाले एक युवक से प्यार हो गया, जिसका नाम संदीप पटले बताया जा रहा है। इसी बीच जब दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ तो मृतक लड़की ने शादी की बात कही। कहा जाता है कि लड़के ने लड़की से पीछा छुड़ाने के इरादे से लड़की की कमर में पत्थर बांधकर जलपूर्ति योजना के ट्यूबवेल में फेंक दिया। इस संबंध में संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लड़के से पूछताछ करने पर लड़के ने पूरी जानकारी बताते हुए घटना स्थल पर ले गया। जांच के दौरान बच्ची का शव ट्यूबवेल में तैरता हुआ पाया गया तो तुरंत ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना दी गई। क्योंकि मामला देसाईगंज के एक युवक से जुड़ा है, इस कारण देसाईगंज पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद ये संपूर्ण घटना सामने आई है। देसाईगंज पुलिस फरार मुख्य आरोपी संदीप पटले की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी पर इससे पूर्व 302 का गुना भी दाखिल है। बालिका के परिवार के सदस्यों ने ब्रह्मपुरी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि जुलाई 2021 से प्रेम प्रसंग के चलते लड़की लापता हो गई है। जब पुलिस ने उसकी तलाश की तो लोकेशन देसाईगंज टावर दिखा रही थी। इसी के चलते ब्रह्मपुरी पुलिस ने जांच देसाईगंज पुलिस को सौंप दी है। ब्रह्मपुरी वर्षा से बाबू कुरैशी की रिपोर्ट।